हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आईएएस यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सेकंड और थर्ड वीक के जो सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हरियाणा के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के और मेंस के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से। सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यूज़। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू सेप्टेम्बर 23rd सेप्टेम्बर इज़ अ डे जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल वीर एवं शहीदी दिवस। तो ये दिन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। 23rd सितंबर वीर एवं शहीदी दिवस जो है हरियाणा सेलिब्रेट करता है, क्लियर। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर यही होता है कि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं, पब्लिक मीटिंग्स है, फंक्शंस है, सेमिनार्स है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो शहीद हैं, जो मार्टियर्स हैं हमारे देश के, उनको जो है श्रद्धांजलि, उनको ट्रिब्यूट दी जाए इस पूरे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो 23 सितंबर इज वीर एवं शहीदी दिवस, ये हरियाणा सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल इट एज ऑक्सी फॉरेस्ट। ऑक्सी फॉरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो शुरू का उसको वेल डेवलप कर दिया गया है हरियाणा का करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज के अंदर। वो विलेज का नाम क्या है, सुभरी विलेज है, ठीक है। चलिए इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली, इसके अंदर ऐसा है कि लगभग 550 सैपलिंग्स जो हैं प्लांट्स की, उनको किया गया है 5 एकड़ की ज़मीन के अंदर प्रॉपर प्लांट किया गया है। और ये जो है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रीन कवर जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको इम्प्रूव करना, उसको इंक्रीज करना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को चलाया जा रहा है, ये जो ग्रीन स्पेसेस हैं ये बनाए जा रहे हैं अंडर विच स्कीम, स्कीम नेम इज हरित करनाल स्कीम। सो स्कीम का नाम क्या है, हरित करनाल स्कीम है। और अभी तक 1.25 लाख प्लांट्स जो हैं उनको प्रॉपरली प्लांट करके इस स्कीम के तहत कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इतना याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये अपील भी की जाती है, इस स्कीम के तहत ये अपील भी की जाती है जो रेसिडेंट है उस रीजन के, एरिया के, तो वहाँ से उनको बोला जाता है कि आप जो है वो जो प्लांट सैपलिंग्स है, जो प्लांट्स हैं उनको कम से कम 2 सालों तक प्रोटेक्ट करके रखिए। आप कम से कम 5 प्लांट्स को 2 सालों तक प्रोटेक्ट करके रखिए, और इस तरीके से एक रेसिडेंट जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को करनाल के विलेज के अंदर, सुभरी विलेज है जहाँ पे रिसेंटली इस चीज़ को किया गया है, 550 सैपलिंग्स जो हैं प्लांट्स की उसको प्रॉपरली प्लांट किया गया है, और आगे इतना ज़्यादा प्रोग्रेस जो है इस हरित करनाल स्कीम के तहत कर लिया गया है कि 1.25 लाख प्लांट्स को अभी तक प्लांट कर दिया गया है, समझ आ गया। और इसके अंदर रेसिडेंट्स जो हैं उनको भी एक तरीके से थोड़ा प्रमोट किया जाता है, उनको भी इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप भी कम से कम 5 प्लांट्स जो हैं उनकी देख रेख रखेंगे फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। तो ये सारा है, होल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, इट इज़ ऑल्सो अ स्कीम। ये स्कीम हरियाणा के साथ भी थोड़ी कंसर्न में थी, कनेक्शन में थी, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इट इज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये न्यूज़ के अंदर थी, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इट इज़ अ स्कीम विच इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम जो है दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। तो इसका जो पार्ट है वो ये अन्न योजना है, ठीक है। तो ये जो पूरा पैकेज है, ये पैकेज इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि COVID-19 में जो गरीब तबके के लोग थे उनको थोड़ी बहुत मदद मिल पाए। तो ये पैकेज उस टाइम पे COVID-19 के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आपके लिए सवाल ये होता है कि ये स्कीम जो है, ये सारा सिस्टम जो है कौन हैंडल करता है, इसकी जो नोडल एजेंसी है या मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडरस्टैंड। इसके अलावा इट वॉज इनिशियली अनाउंस फॉर 3 मंथ्स, ये जो पूरा पैकेज था वो तो लगभग 3 महीने के लिए था, अप्रैल मई जून के लिए था, 2020 के लिए था। बट इसको जो है, और इसका जो टारगेट था, दैट टारगेट वॉज टू कवर 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स, उनको जो है खाना देना, उनको 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को प्रॉपरली खाना देना, ठीक है, PDS सिस्टम के द्वारा। बट इसको जो है आगे जाके एक्सटेंड कर दिया गया टिल नवंबर 2020 तक, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको जो है अप्रैल 2021 में,
ठीक है, नवंबर 2020 तक इसको एक्सटेंड किया, बट उसके बाद ये बंद हो चुकी थी। अब अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इस स्कीम को, दैट इज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। समझ आ गया? तो अब इसको शुरू कर दिया गया है, ये पहले भी चल रही थी, अब इसको दोबारा से चला दिया गया है। बट पॉइंट ये है कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है एक आधे कंपोनेंट में, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस स्कीम के तहत है क्या, इस स्कीम के तहत ये एम किया जाएगा या किया गया था दैट हर व्यक्ति को जो कि कवर्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, उसको एडिशनल 5 kg का अनाज मिलेगा, एडिशनल मिलेगा, ठीक है। जो पहले मिल रहा था, पहले क्या मिल रहा था, पहले उसको 5 kg का राशन मिल रहा था, सब्सिडाइज मिल रहा था, उसको पे करना पड़ रहा था, सब्सिडीज पे मिल रहा था थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बट अब उसको एडिशनल 5 kg का वीट या राइस मिलेगा, बट दैट वुड बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पूरा फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत ये अचीव करने की कोशिश की जा रही थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो एक्चुअली डिफरेंस है बिटवीन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस बार की और जो नवंबर के 2020 की जो गरीब कल्याण अन्न योजना वाली स्कीम थी, उसमें डिफरेंस यही है कि उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 kg का पल्सेस पर मंथ दिया जाता था हर हाउस होल्ड को, ठीक है, जो कि NFSA के अंदर था। बट इस बार जो है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 kg पल्सेस का जो कंपोनेंट है, इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, अपार्ट फ्रॉम इट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर इस स्कीम के तहत। समझ आ गया? चलिए, तो ये आपको, आई होप यू गॉट दिस कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसके बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। नाउ एक रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली हरियाणा बी कीपिंग पॉलिसी जो है 2021, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एंड एक्शन प्लान 2021-2030, ठीक है। अब ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने लॉन्च की है ये पर्टिकुलर पॉलिसी एंड ये एक्शन प्लान। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट द बी कीपिंग इंडस्ट्री सेक्टर इन द स्टेट, ताकि जितने भी लोग फार्मिंग करते हैं या इसको इंडिविजुअली एज अ देखना चाहते हैं, तो इट कैन बिकम एडिशनल इनकम, सप्लीमेंट्री इनकम बन सकती है या एक मेजर इनकम का सोर्स भी बन सकता है अगर ये बी कीपिंग को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग, चीफ मिनिस्टर ने टारगेट रखा हुआ है, टारगेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हनी बाय 10 times बाय 2030, 2030 तक 10 गुना जो है प्रोडक्शन ऑफ हनी जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। और ये भी बोला है कि मोटिवेट करना है हमें किसानों को कि आप जो है ये बी कीपिंग जो है इसको स्टार्ट कर दीजिए, इसको ऑप्ट करना शुरू कर दीजिए एंड इस इनिशिएटिव में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग, किसान भागीदारी दिखाएं, ताकि वो अपनी इनकम को और मजबूत बना सके, सप्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अलॉन्ग विद दिस ऑफिशियल्स को ये भी टारगेट दिया गया है, ये भी बोला गया है कि आप जो है फोकस छोटे किसानों पे ज़्यादा कीजिए, ताकि उनका जो है इनकम का साधन मल्टीपल हो सके, छोटे किसानों पे ज़्यादा अपने ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि हनी ट्रेड सेंटर वो सेटअप किया जाएगा, विलेज ऑफ एक्सीलेंस वो सेटअप किया जाएगा, टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो सेटअप्स किए जाएंगे, ठीक है, कि हनी है उसकी शुद्धता चेक करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एरिया ऑफ टेस्टिंग होती है जो करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये बेसिकली सेटअप किए जाएंगे, वुड बी सेटअप बाई डिपार्टमेंट टू प्रमोट द बी कीपिंग। ऑल्सो द इनकम ऑफ फार्मर वुड इंक्रीज मैनी फोल्ड बाई सेलिंग हनी। देखिए, बी कीपिंग से सिर्फ हनी नहीं मिलता है बाय प्रोडक्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हनी हो गया, हनी तो हमने बोल दिया, बट बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे रॉयल जेली हो गया, बी वैक्स हो गया, प्रोपोलिस हो गया, बी पोलन हो गया एंड बी विनोम हो गया, तो इनको भी सेल किया जा सकता है, इनकी भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको भी इनकरेज किया जाएगा, ताकि आप जो है इस
सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग बी बॉक्सेस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स वुड बी एनकरेज टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, अगर हम लोग डेटा की बात करें बी कीपिंग इंडस्ट्री इन हरियाणा, सो इट कम्स अंडर द सेवेंथ इन प्रोडक्शन ऑफ हनी इन दी कंट्री। तो सेवेंथ आता है, रैंक इतना ज़्यादा नीचे नहीं है, इट इज़ डिसेंट इनफ, बट इसको इम्प्रूव करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हरियाणा प्रोड्यूसेस 4800 मेट्रिक टन्स ऑफ हनी, कंट्री प्रोड्यूस्ड अबाउट 1 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ हनी इन 2019-2020। सो आप देखिए तो हरियाणा का सेवेंथ रैंक आता है और हरियाणा का इतना प्रोडक्शन होता है, कंट्री का इतना प्रोडक्शन होता है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो द पॉइंट इज कि बी कीपिंग इंडस्ट्री को सेटअप करके या उसको प्रमोट करके डेफिनेटली जो फार्मर्स हैं, जितने भी लोग इस सेक्टर के अंदर एक्सेल करेंगे, उनकी इनकम जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक पोर्टल है समर्पण पोर्टल। तो समर्पण पोर्टल जो है हरियाणा ने लॉन्च किया है, ये कब लॉन्च किया, ये बर्थ एनिवर्सरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत जो है, दीनदयाल उपाध्याय उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि 25 सितंबर 2021 को होती है, 25 सितंबर को होती है, उस टाइम पे समर्पण पोर्टल जो है वो चीफ मिनिस्टर सर ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि इतने सारे जितने भी वॉलेंटियर करने की चाहत रखते हैं कि दे वॉन्ट टू वॉलेंटियर टूवर्ड्स सोशल चेंज, है ना, कि कुछ सोसाइटी में कुछ ना कुछ सर्व करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो उन लोगों को इस पोर्टल के तहत जो है जोड़ा जाएगा और वो लोग जो है अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू दिस पोर्टल। अंडरस्टैंड, सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज सच वॉलेंटियर्स हु आर विलिंग टू सर्व द सोसाइटी, दे कैन बिकम असेंशियल पार्ट ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट इन हरियाणा बाय डेडिकेटिंग देयर टाइम एफर्ट टूवर्ड्स सोशल वर्क, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज अल्टीमेटली दिस थिंग ओनली। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जैसे वॉलेंटियर्स जो होंगे वो इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो सकता है, सर्विस रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, कोई यंग बंदा हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जो यूथ के साथ साथ कोई फीमेल सर्विस फीमेल हो सकती है, जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी उठा सकती है और वहाँ पे अपनी स्किल के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होगा क्या कि जैसे कोई भी वॉलेंटियर है, कोई भी यूथ है जिसने कोई बीटेक किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, वो चाहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, इस पोर्टल में जाएगा और इस पोर्टल में रजिस्टर कर देगा और बोलेगा कि मेरे को बच्चों को कुछ पढ़ाना है, तो एजुकेशन फील्ड में वो एजुकेट कर सकता है उन बच्चों को। या कोई भी बंदा है जो चाहता है कि मैं किसी बच्चे को स्किल प्रोवाइड करूं या स्पोर्ट्स सिखाऊं, तो वो इस पोर्टल के थ्रू जाके रजिस्टर करके स्किल या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है बच्चों को दे सकता है। कोई फीमेल कोई एनीवन हु वांट्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, देन दैट पर्सन कैन मेक देम अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशन, कितना इंपॉर्टेंट होता है, एम्पावरमेंट सिक्योरिटी के बारे में हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएटेड है, इनिशिएटिव्स ऑफ जो गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, जैसे एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, फार्मर वेलफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसका जो यूनिक फीचर यही है, इस वॉलेंटरी सर्विसेज का यूनिक फीचर यही है, ये इंडिविजुअल बेस्ड है, यहाँ पे ग्रुप सेक्टर ग्रुपिज्म कुछ नहीं है, एंड यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल उसको ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, कोई यूनियन से बिलोंग करता है, नहीं, अगर मेरे को मन कर रहा है कि मेरे को सोशल सर्विस करनी है तो मैं डायरेक्टली इस पोर्टल में जाके रजिस्टर करके अपना इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट पुट इन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। ओके, नाउ हरियाणा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाई, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं टूवर्ड्स कोई भी डिस्टर्बेंस, या इनका हैबिटेट डिस्टर्बेंस हो जाए या पॉल्यूशन का सिचुएशन हो जाए, तो ये बहुत ही जल्दी सेंसिटिव उस जोन में आ जाती हैं। ठीक है, सो हरियाणा टू होल्ड द फर्स्ट एवर बटरफ्लाई सर्वे ऑन सेप्टेम्बर 27। ठीक है, 27 सेप्टेम्बर को फर्स्ट एवर बटरफ्लाई सर्वे जो है वो हरियाणा होल्ड कर रहा है।
अब इसमें है क्या, इसमें जो बटरफ्लाई मंथ होता है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, इसी के टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि हम लोग बटरफ्लाई सर्वे जो है होल्ड करेंगे, और दिस इज़ द फर्स्ट एवर बटरफ्लाई सर्वे। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है खोल ब्लॉक ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, खोल ब्लॉक ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जिसको कंडक्ट किया जाएगा स्टेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो स्टेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा इसको कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसमें बैकग्राउंड यही है, ये फर्स्ट एवर है, ठीक है। आपको पता है कि जो बटरफ्लाइज हैं, मैंने अभी बताया कि इनका अगर इनका रहने की जगह डिस्टर्ब होती है, पोल्यूशन बढ़ते रहता है, तो बहुत जल्दी इनका कंजर्वेशन डेंजर में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, हमें एक सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे अगर हम लोग करेंगे देन वी गेट टू नो द एग्जैक्ट रियालिटी एंड देन वी विल बी एबल टू टेक द इनिशिएटिव्स ऑल्सो इन ऑर्डर टू कंजर्व दीज स्पीशीज, ठीक है, बटरफ्लाईज को कंजर्व करना है। तो ये जो सर्वे है दैट वुड बी कंडक्टेड इन 10 विलेजेस के अंदर, हैविंग अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ हिलॉक, मतलब थोड़े बहुत पहाड़ हैं, अरावली वाले ये जो 10 गांव हैं इनकी बात की जा रही है। ये गांव याद रखना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट यू शुड नो बटरफ्लाई सर्वे एंड वॉट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड इट, एंड ये सारी चीज़ें हैं, एंड कहाँ से ये शुरू हो रहा है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एवर, तो विलेज का नाम याद रखना आपका काम है, ठीक है। ओके, नाउ इसमें आउटकम ऑफ द सर्वे यही है कि मैंने आपको बताया कि सर्वे से डेटा पता चलेगा, और डेटा जब पता चल जाता है तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, ये सभी उस डेटा के बेसिस पे ही बनते हैं, ताकि जो हैबिटेट डिस्टर्बेंस है उसका इम्पैक्ट देखा जा सके कि कितना इम्पैक्ट हैबिटेट डिस्टर्बेंस से पड़ा है, क्लाइमेट चेंज क्या है, इकोलॉजी ऑफ रीजन से क्या पड़ा है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर आप याद रखेंगे, क्लियर। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, सेकेंड एंड थर्ड वीक का हमने सेप्टेम्बर का कम्प्लीट कर लिया है, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन ऑन दिस पोर्टल ऑल्सो, एंड आप कॉमेंट भी कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल, इस वीडियो के नीचे, ठीक है। थैंक यू, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।